जमाने में भी एशियंट टाइम में भी हुआ था। नाउ इन द लास्ट टॉपिक वी लेफ्ट वन सब टॉपिक, एक सब टॉपिक हमारा छूट गया था, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। टेक पेज नंबर इज 29 अबव। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, यू कैन सी द पेज व्हिच आई एम रीडिंग फ्रॉम ऑन योर स्क्रीन्स आल्सो। Yes, this topic, this is a very important topic. We had haven't completed it yesterday. Last class पर मैंने complete नहीं किया था, so let's discuss about it. So what is this? This is fiance. इसे क्या pronounce करेंगे? Fiance. Now what is it and why this is used in that time? क्या इसके uses हैं? Let's see. Unlike stone or shell that are found naturally, fiance is a material that is artificially produced. यानी जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि कुछ और चीजें बनाई जाती है, जैसे स्टोन्स हैं, शेल्स हैं, दीस थिंग्स आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट नेचुरल। मैम योर कैमरा एंड वी माइक इज ऑफ। मैम योर म्यूट माइक। लेकिन फियांस जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, जो सैंड और जो हम कह सकते हैं कुछ पाउडर, क्वार्ट्ज का एक पाउडर होता है, उसमें एक गम को मिक्स करके उससे ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता है, जैसे क्ले होता है, या फिर हम कहें आपने चाइल्डहुड में बचपन में मिट्टी के लड्डू बनाए होंगे, है ना, जो मिट्टी का पाउडर है, सूखी मिट्टी है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप उसको एकदम सॉलिड फॉर्म दे देते हो, है ना। हालांकि कुछ टाइम बाद तो सूखने के बाद टूट जाती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, बिकॉज वी आर यूजिंग गम, ठीक है, सम फेविकॉल की तरह कुछ होता है, ठीक है। तो इट वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप उसे दे दी जाती है। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। नाउ व्हाट हैपेंस, जो भी ऑब्जेक्ट हमने उससे बनाई है, लाइक फ्लावर वास बनाया है हमने, या फिर कोई मिट्टी का बर्तन ही समझ लो अगर हमने ऐसा कुछ बनाया है, लेकिन कोई टॉय बनाया है, उसको बनाने के बाद फियांस जब उसमें बना उसे शेप दे दी जाती है, उसके बाद उसको ग्लेज किया जाता है, उसमें कुछ शाइनी और ग्लॉसी सरफेस एक लेयर जो है वो डाल दी जाती है, जिससे कि उसका जो लुक है या फिर हमका इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी दिखे, उसका जो लुक है वो अच्छा दिखे। The colors of the glaze were usually blue or sea gray. अब तो उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जा रही है जो ग्लॉसी, जिससे कि उसके ऑब्जेक्ट में शाइन आएगी, वो कौन से कलर का होता है? ब्लू एंड सी ग्रे। Fiance was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. यानी जो fiance है उससे हम क्या बनाते हैं? Bangles, earrings और tiny vessels, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं, ये सब चीजें fiance से बनाई जाती थी उस टाइम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक को आप अपनी नोटबुक्स में भी नोट करें। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो दैट द पीपल्स लिविंग इन हरप्पा, और वी कैन से हरप्पंस यूज डिफरेंट थिंग्स टू मेक सेवरल ऑब्जेक्ट। क्राफ्ट पर्सन्स जो है वो अलग अलग चीजें यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, लाइक स्कल्पचर्स हैं, फ्लावर वेस है, बैंगल्स, इयररिंग, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब इनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से है? रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको फ्लोरिश करके, उसे हम शेप देके, उसे उस पर हम कुछ स्किल्स अपने इम्प्लीमेंट करके एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म देते हैं, जो कि बाद में ह्यूमन बींग्स के यूज आता है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये कहाँ से आता था इन लोगों के पास? उस टाइम पीरियड में रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हमें कुछ भी चाहिए तो हम फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं,
ठीक है, लेकिन उस टाइम पे रॉ मटेरियल्स की सर्च करना, वहां पे खोजना पड़ता था लोगों को, दे हैव टू फाइंड, उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट करना पड़ता था वेदर दिस थिंग इज यूजफुल फॉर अस और नॉट. ओके, सो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और Others. Now, what is raw material? Raw material कुछ ऐसे substances हैं that are present in our environment naturally, जो हमारे environment में naturally present हैं, like stones हैं, woods हैं. So, what is the raw material? Okay, raw material को हम बाद में क्या करेंगे? इसमें अपनी skills को use करेंगे. इससे हमने table बनाया, इससे हमने chair बनाया, इससे हमने furniture बनाया. Yes, you have to write the finance topic in your notebooks. ओके, ये सब दैट मींस जो वुड है वो एक रॉ मटेरियल, उसको हम लोग अलग अलग चीजें बनाने के लिए यूज करें. तो रॉ मटेरियल बेसिकली आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स. जो हर्डर्स और फार्मर्स हैं उनके उनके जो प्रोडक्शंस होते हैं दैट आर ऑल्सो नोन एज रॉ मटेरियल. दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये जो रॉ मटेरियल्स इनको प्रोसेस किया जाता था, यानी इन पे काम किया जाता है, इन पे अपने स्किल्स यानी इस पे कुछ टूल्स यूज करके इन्हें कुछ ऐसे शेप दी जाती है जो कि हमें चाहिए, जो हम यूज कर सकते, ठीक है. तो इनसे दीज आर इन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. गुड्स का मतलब होता है कुछ माल वगैरह जो होते हैं ना, जैसे फर्नीचर है, जो भी चीजें ह्यूमंस के लिए जरूरी है वो इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके बनाते थे. For example, cotton produced by farmer. तो farmers कौन सा raw material produce कर रहे हैं? Cotton. Is a raw material that may be processed to make cloth. अब जो cotton है, वो बाद में process किया जाता है और उसके बाद हमें कहीं जाकर वो cloth के form में मिलता है. आपने fibers chapter पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से cotton को उसमें fibers और yarns और fabrics में convert किया जाता है. ठीक है, तो कॉटन क्या हुआ? कॉटन इज बेसिकली रॉ मटेरियल. कुछ रॉ मटेरियल्स तो लोकली अवेलेबल है, दैट मींस उनके आसपास के एनवायरनमेंट में वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स को. बट कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और कुछ प्रीशियस स्टोन, ये उनके आसपास के जो लोकल एनवायरनमेंट है वहां अवेलेबल नहीं, ठीक है. अब इनकी जरूरत अगर उन्हें होगी तो ये कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम द फार प्लेसेस, दूर की जो जगह है जहाँ पे ये अवेलेबल है वहां से ही लोग इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने जहाँ पर इन्हें जरूरत है, जहाँ हरप्पन सिटीज डेवलप हो रही है वहां पर इन्हें अपने यूज के लिए लेकर आते थे. The Harappans probably got copper from present day Rajasthan. Now, this is very important. So, firstly, let's write the definition for raw materials. Raw materials की हम definition लिख लेते, then we will make some more notes. Open your notebooks, everyone. Fiance की definition जो topic है complete जो short note given है आपके textbook पे, it is on page number 29. Here it is. आपको ये अपनी notebook पे लिखना है. Okay, no need to make the diagram. Diagram बनाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप उसे note down करें. मैम बोरा. Okay मैम. क्या क्या चीजें मिलती है लाइक गुड
यहाँ पे आप और लिख सकते हो Thank you.
All is perfect, ma'am. Now it is. It's a year. Next weekend, right? Precious stones मतलब जैसे diamonds जो होते हैं ना, जो बहुत ही polish करने के बाद जो stone shine करने लग जाते हैं. Okay, that are included in. Yes, you have to write this in your notebooks. आपको notebook में लिखना है. Okay, so these are few raw materials people used to collect from distant places for their use. Copper from present day Rajasthan and Oman, bronze from Afghanistan and Iran, gold from Karnataka, and precious stones from Gujarat. मैम, प्रीवियस स्टोन के भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं. डन. Those who are not completed can take its screenshot. No, I am done with you, ma'am. Now, अब हमने ये डिस्कस किया that people used to collect these raw materials from different places. Now, what is the mode of transportation then? अब अगर ये कहीं से लेके आ रहे हैं तो इनको ट्रांस लास्ट में लिखना है, भी साइड हो जाओ. उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होगी, यानी अपने किस चीज से क्या यूज करेंगे वो, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे विल यूज टू कलेक्ट दीस थिंग्स. सो यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर इन योर टेक्स्ट बुक. दिस वन, दिस इज नॉट अ कंप्लीट, वी कैन से दिस इज जस्ट अ टॉय. ये क्या है? टॉय है, खिलौना है. तो इससे हम एक एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं दैट पीपल यूज्ड टू कैरी दीस काइंड्स ऑफ गुड्स इन दिस कार. ओके, किसी भी एनिमल को यहाँ लगा, जैसे हॉर्सेस है या ऑक्स है, बुल है, इनको यहाँ लगा के इस कार्ट को एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द पीपल कैन यूज. ओके, this picture you can say, see here, this is a picture of sea. Okay, ye sea ki picture hai. Here you can see the script Harappans used as a pictorial matlab picture ke form mein wo apni script ko use karte the, pictures ke through wo apne messages ek dusre se convey karte the. Okay, now next topic, food for people in the city. यानी अब जो सिटीज हैं इनमें लोगों के लिए फूड कैसा होता था, हाउ द फूड प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन इन द पर्टिकुलर सिटी. ओके, व्हाई मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड, ग्रू क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स. यानी कुछ लोग जो है सिटीज में रहते थे, साथ ही साथ कुछ जो लोग है वो कंट्री साइड यानी हम कह सकते हैं विलेजेस के आसपास के एरियाज में रहते हैं. एंड ऑब्वियसली विलेजर्स विल डू एग्रीकल्चर, दे विल डू फार्मिंग, दे विल डोमेस्टिकेट एनिमल्स. ओके, सो ऑल दीस प्रैक्टिसेस वर आल्सो डन साइमल्टेनियसली विद द पीपल लिविंग इन सिटीज. यानी जो लोग सिटीज में रहते थे ये कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ, गुड्स एक्सचेंज के साथ साथ जो एग्रीकल्चर वर्क है वो भी कंटिन्यूसली चल रहा था. These farmers and herders supply food to craft persons, scribes and rulers in the cities. Now ये जो farmers हैं इनका जो भी production होता था इनकी supply कहाँ करते थे, जो craft persons हैं. Okay, you know everyone is not the farmer. वहाँ जितने भी लोग हैं city में वो सबके सब farmer नहीं हैं. They don't all the people don't grow food for themselves. यानी सिर्फ खुद के लिए ही food production नहीं करते थे वो. बाकी जो भी लोग हैं सिटी में रहने वाले, लाइक स्पेशलिस्ट हैं, क्राफ्ट पर्संस हैं, स्किल्ड पर्संस हैं, स्क्राइब्स हैं, इनके लिए भी तो फूड प्रोडक्शन होगा. ओके, जो फार्मर्स हैं ये जो अपना प्रोडक्शन करते थे बाद में जाके इनकी सप्लाई यहाँ तक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड मोड है यानी इनको भी फूड की सप्लाई फार्मर्स के थ्रू ही
की जाती थी. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseeds and mustard. यानी archaeologists have found some remains of seeds of some crops that is wheat, barley and ये जो भी crops हैं इनके जो remains हैं जो evidences हैं वो archaeologists को मिले हैं जिससे archaeologists ने confirm किया है कि the people living in Harappans Harappan cities they used to grow these kind of crops okay or these kind of food examples of these are wheat, barley, pulses, peas, rice and many more. ये सारी crops जो है Harappan cities में farmers agriculture किया करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन चीजों का होता है. A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. You know very well about plow. Plow मतलब हल जो होता है. You can see the picture also. एक नया टूल जो है जिसे क्या कहा गया जो कि क्या है प्लो वो यूज किया जाता था लैंड की टिलिंग के लिए जो भी लैंड है उसकी खुदाई होती थी प्लांटेशन होता था एग्रीकल्चर होता ठीक है तो इस टूल की हेल्प से ये काम किए जाते थे बट रियल प्लोज व्हिच वर प्रोबेबली मेड ऑफ स्टोन सॉरी मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है यू नो वेरी वेल जो प्लोज है दे वर मेड अप ऑफ वुड एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो जो प्लो यूज किए जाते थे वो वुड के बने होते थे एंड वुड इज अ डिग्रेडेबल आइटम ना वुड तो है डिग्रेड हो जाता है कोई इंसेक्ट्स खा गए उसमें दीमक लग गई ठीक है तो आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में या उन्हें जो रियल प्लो है उसके एविडेंसेस नहीं मिल पाए देन उनको ऐसा क्या मिला जिससे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में प्लो का भी यूज होता था तो उन्हें एक टॉय मिला यानी एक प्लो जो है जैसे हम कहें कि कोई कार का हम छोटा सा एक टॉय बना देते हैं डिग्रेडेबल मतलब जो खत्म हो जाता है जैसे कोई भी लकड़ी का आइटम है ठीक है वुड का कोई आइटम है तो धीरे धीरे आप उसको 10-15 साल तक रखोगे तो उसमें दीमक लग जाएगी या कुछ कीड़े लगने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है तो यही हुआ इनके साथ भी कि जो हरप्पन सिटीज में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें रियल फ्लो का कोई एविडेंस नहीं मिला लेकिन उन्हें टॉयज के फॉर्म में ये फ्लो मिला था ठीक है तो इसका मतलब कि जो उस सिटीज में जो लोग रहते थे एटलीस्ट उन्हें इस टूल के बारे में पता था वो इसका यूज करते तभी तो वो टॉय का फॉर्म आया ठीक है Yes, as this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. यानी जो हरप्पन सिटी जहाँ established थी, वहाँ पे ज़्यादा rainfall नहीं होती थी. अब agricultural practices के लिए irrigation तो obviously ज़रूरी है. तो irrigation कैसे होता था? इसके भी अलग-अलग methods जो हैं, वो लोगों ने निकाले. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were Now what happens? The people used to store the rainwater. ये rainwater को store करते थे. और जब भी agricultural इनकी practices होती, जैसे crops इन्होंने sow कर दिया, जब भी plants को जरूरत होती थी water की, they used to transfer or transport that water into the fields. तो इस तरह से irrigation practices होती थी हरप्पा cities. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. Yani, yeah, obviously the people living in Harappa city used to do domestication. Domestication kiya karte the, sheep, goats, buffalo, jinse bhi animal product use mil sake inhe ye rear kiya karte the, apne paas rakhte the, inka domestication karte the. ठीक है वॉटर जो है अब ऑब्वियसली एनिमल्स आल्सो नीड वाटर दे नीड ग्रास टू ईट ओके तो इनके आसपास का जो सेटलमेंट है यानी इनकी जो छोटी छोटी सिटीज है जहाँ ये रहते थे उसके आसपास वाटर भी इजीली अवेलेबल था और वहाँ पे पास्चर लैंड भी थी पास्चर लैंड मीन चारागाह जहाँ पे हरी हरी घास होती थी जिसपे ये एनिमल्स फीड करते थे However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. यानी अभी जो pasture lands हैं, pasture lands इनमें grass कब तक होगी? Obviously, जब rain होगी वहाँ पे बारिश के दिनों में सब तरफ हरियाली हो जाती है. लेकिन जो summers हैं, summers में pasture land में इतना food नहीं हो पाता था, इतनी grass नहीं हो पाती थी कि animals सारे animals जो है उसपे feed कर सके.
तो ड्राई सीजन में ये जो लोग हैं क्या करते थे, बिग हर्ड्स, दे यूज्ड टू मेक बिग हर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके उन्हें कहीं दूसरी जगह लार्ज डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल करके दूसरी जगह ले जाते थे ताकि वहां पर इनकी जो एनिमल्स है उन्हें सफिशियंट फूड मिल सके। ओके और वापस जब ये रेनी सीजन आएगा, जैसे ही ड्राई सीजन का एंड होगा, ये वापस अपने घरों की तरफ आ जाते। They also collected fruits like bear, codfish, and hunted wild animals like the antelope. Now, what happened? These kind of hunting activities also, fishing activities also going on in the city. यानी ये थी जो लोगों की life है, ये food कैसे gather करते थे, अपने का food का resource क्या है, fishing के through fruits ये लोग collect करते थे. They used to hunt animals also. Okay, agricultural practices are also going on. So all these things are the ways in which people used to fulfill their food requirements. अपनी food requirements को वो इस तरह से complete करते थे. Okay? Understood everyone? Yes, ma'am. Understood.